भगत राम मिश्रा समाजवादी पार्टी के गांधी बनकर के निकले हैं और उत्तर प्रदेश सरकार और इस देश की सरकार को नेस्ते नाबूद करके 27 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके तब दम लेंगे इस बात की प्रतिज्ञा। 27 के चुनाव में इस गोंडा टाउन हॉल से मैं घोषित करता हूँ प्रदेश का ब्राह्मण समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के निकलेगा, यहाँ के सीटों के साथ साथ प्रदेश के इकाई को जिता करके मुख्यमंत्री को स्थापित करेंगे। हमारे यहाँ भी धर्म के मालिक चारों शंकराचार्य हैं, मोदी और योगी धर्म के मालिक नहीं, आप लोग भी जान लीजिए। पत्रकार बंधु विशेष, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे सनातन के लोग कैसे धार्मिक हैं जो ऐसे अधार्मिक लोगों को देश में बैठाए हुए हैं। सूरज सिंह जी का भाई बड़ा भारी नाम है, बड़े परिवार से है, बड़ा नाम है। मैंने अपने चुनाव में इनकी बड़ी खोज किया लेकिन बड़े मुश्किल से हमको मिले नहीं, आज मंच पर मुझे मिले, मैं इनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, मंडल की तरफ से इनका आदर करता हूँ। कि गोंडा और कैसरगंज का चुनाव हार गए, तो चुनाव हारना जीतना तो स्वाभाविक है, हमारे गोंडा निपाटन मंडल के सभी लोग जानते हैं चुनाव हारना जीता कैसे हारे। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के अगुवा हम अखिलेश यादव अपने पार्टी के बदौलत चुनाव लड़ रहे थे। मैं जहां तक देख रहा था चुनाव भगत राम मिश्रा और RBI लड़ रही थी, कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ता, पूरा देश लगा हुआ था चुनाव ये हो रहा। RBI को बतवा तो समझ रहे, बड़ी बड़े खड़ियन चुनाव में थोड़ा समय हमारा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं चूंकि गोंडा में आया हूं और गोंडा में मेरे ख्याल से हारने के बाद कैसरगंज से लड़ने वाले में पहला प्रत्याशी हूंगा जो आपके बीच में निपाटन मंडल में कदम रखने के लिए आपके बीच में शामिल होने के लिए आया और इस बात का संकेत देने के लिए आया हूं कि आपके कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा। लोकसभा सीट यहां से जरूर मैं 3 हारा हूं, लेकिन आपके बीच में कहने आया हूं कि 27 की निपाटन मंडल की सभी सीट अखिलेश यादव जी के इस जन्मदिन पर सौगंध लेके कहता हूं जिताने के लिए शपथ लेने आया हूं। तो धन की ही बात की जाती है और उसी के बदौलत चुनाव लड़े जाते हैं, इस खड़यंत्र को काटना होगा और हमारे जो बुनियादी कार्यकर्ता हमारे बड़े मजबूती से लड़े, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और ऐसा लड़े उनके लड़ने की कहीं कोई हिम्मत में कहीं कोई कमी नहीं आई है, बड़े मजबूती से लड़े। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जो हमारे जनपद स्तर के मंडल स्तर के मैं सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात साथियों ये है, कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन उसके साथ सिंधिया परिवार भी था जो उनको हराने में और उनको निस्तेज नाबूद करने में जो है वो देश में भूमिका निभाई है। ऐसे हमारे यहाँ भी रहा है, मैं चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मुझे खूब लड़ा है, मैं लड़ा भी, लेकिन हमको लोगों ने खूब हराया भी, ये भी बात है, ऐसा नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ये कहने हमारे योगेंद्र प्रताप सिंह बैठे सभी लोग जानते हैं, मैं वैसा व्यक्ति हूं जिसको भारतीय जनता पार्टी के बीच बीच में भी सभी मीटिंगों में कहता रहा हूं, भारतीय जनता एक यहां एक दो लोगों के नेताओं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, नेता तो यहां कई है, मंडल में है, प्रदेश में है, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम की बात मैं कर रहा हूं। अगर अखिलेश यादव जी का कोई सच्चा कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता के सामने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी समेत पूरी टीम अखिलेश यादव के कार्यकर्ता भगत राम मिश्रा के कदमों में पड़ी हुई थी, मैं बताना चाहता हूं जानना। दोस्तों मैंने हर मीटिंग में कहा है आप लोगों, इसलिए आप बताना चाहता हूं, 2 तारीख को मेरा नामिनेशन था, 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई प्रदेश यूनिट की तरफ से हमारे जनपद भारतीय जनता पार्टी की बहराइच की पूरी यूनिट आई थी। उन्होंने कहा था मिश्रा जी आप अपने जबान से जितना सिफर चाहिए सुन लीजिए, बता रहा हूं जितना सिफर चाहिए उतना लगा लीजिए, कहीं ढाई करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ वो जबान से बोल दीजिए, आपके 2 लड़के हैं दोनों का एडजस्टमेंट कौन करेगा, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, ये तय कर लीजिए। इतने नहीं कहा गया था, मैं योगेंद्र प्रताप सिंह क्या बैठा था, इतने नहीं कहा गया था, ये कहा गया था साहब आप अपना बिड्ढा मत कीजिए, बड़े ईमानदार बने रहिए, आपका नामांकन खारिज करा दिया जाएगा जिससे जनता नहीं जान पाएगी, वो धन आप इकट्ठा कर लीजिए। मैं आपको बताऊं सच में इतनी ताकत होती है कि पूरे चुनाव में मैं हर मीटिंग में इस बात को कहता रहा
लेकिन किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं पड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रदेश की इकाई आई थी ये प्रस्ताव लेकर के। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है, मेरे पत्रकार बंधु तो जरूर जान लें कि आप लोग भी अपने को बदलिए, क्योंकि ये बुद्धिजीवी तबका है, चौखंबा है, यही बदलेगा तब देश बदलेगा, तब देश की बिहार बदलेगी। सबसे बड़ी जरूरत कहता रहा योगेश प्रताप सिंह जी का बैठा था, तब तक फिर मेरे पास संदेश आ गया, बल्कि मैं बिगड़ भी गया, इनको बुरा भी लगा। इन्होंने कहा साहब एक सज्जन बैठे थे, मैंने आपसे परिचय कराया, आपने तवज्जो नहीं दिया। मैं सच में तवज्जो नहीं दिया, इन्होंने किसी हमारे जो है चेयरमैन से परिचय कराया था, क्योंकि बात हमारी ऐसी हो रही थी। तो दोस्तों सच ये है, मैं आपको एक कहने आया हूँ कि भगत राम मिश्रा समाजवादी पार्टी के गांधी बनकर के निकले हैं और उत्तर प्रदेश सरकार और इस देश की सरकार को नेस्ते नाबूद करके 27 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके तब दम लेंगे इस बात की प्रतिज्ञा के नाम पर। इस प्रदेश का, इस देश का जो कहते थे साहब कौन है साहब, ये वैदिक लोग है, ब्राह्मण लोग है, बड़े धार्मिक है, किसके नाम पे चले जाएंगे, धर्म के नाम पे चले जाएंगे। मैं आज बताने आया हूँ 2027 के चुनाव में इस गोंडा टाउन हॉल से मैं घोषित करता हूँ, प्रदेश का ब्राह्मण समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के निकलेगा, यहाँ के सीटों के साथ साथ प्रदेश के इकाई को जिता करके मुख्यमंत्री को स्थापित करेगा। इस नाते कह रहा हूँ दोस्तों, राम खेल समय तो ज्यादा नहीं हो रहा, भगवान राम यहाँ तक खेलने आते रहे होंगे। हमारे धर्म के मालिक आप सभी लोग जानते हैं, मुस्लिम धर्म के मालिक इनके यहाँ मौलाना, इनके यहाँ दूसरे लोग होते हैं, कोई नेता नहीं होता। हमारे यहाँ भी धर्म के मालिक चारों शंकराचार्य हैं, मोदी और योगी धर्म के मालिक नहीं, आप लोग भी जान लीजिए, पत्रकार बंधु विशेष। लेकिन हमारे धर्म गुरुओं को एक किनारे कर दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया, आज की तारीख में भगवान राम के साथ भी छल किया गया, वो मंदिर भी चूने लगी है, उनके इनारे किनारे बनने वाली सड़क भी राम की जो है नगरी में धस गई है। ये खेल राम की नगरी अयोध्या में भी किया गया। दोस्तों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे सनातन के लोग कैसे धार्मिक हैं, जो ऐसे अधार्मिक लोगों को देश में बैठाए हुए हैं।